हमारे सामने एसएससी सीजीएल 2021 20 अगस्त का ये क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, अ लोन टू बी रिटर्न्ड इनटू इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली एंड ईच इंस्टॉलमेंट इज रुपीज 6534 देन द टोटल इंटरेस्ट चार्ज्ड इज। तो यहाँ हमें क्या है, टोटल इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और इंस्टॉलमेंट दो इंस्टॉलमेंट में पे किया जा रहा है और ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है 6534। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% पर एनम। तो 10% पर एनम है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/10, यानी अगर प्रिंसिपल वैल्यू 10 है तो 1 इंटरेस्ट होगा, यानी कि आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी अगर 10 है प्रिंसिपल तो 11 क्या हो जाएगा, उसका 11 आपका हो जाएगा इंस्टॉलमेंट। तो हमने पहले ईयर क्या होगा, पहले ईयर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल 10 है तो इंस्टॉलमेंट 11 हो जाएगा। सेकंड ईयर क्या होता है आप जानते हो, इसका स्क्वायर हो जाता है, यानी फर्स्ट ईयर का, यानी 10 × 10 इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा, इसका 11 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 11 × 11। ठीक है, ये चीज़ आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ी होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, उसमें हमने बहुत क्लियरली इन चीज़ों को बताया है। अब देखिए कहता है कि इंस्टॉलमेंट्स दोनों बराबर हैं, फर्स्ट ईयर में जो इंस्टॉलमेंट ईयर के लास्ट में पे कर रहा है और सेकंड ईयर में जो इंस्टॉलमेंट ईयर के लास्ट में पे कर रहा है, दोनों इंस्टॉलमेंट्स बराबर हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर ये जो ऊपर फर्स्ट ईयर है यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्रिंसिपल में भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ यही हमने किया है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। तो अब क्या है कि अब इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल के कॉरेस्पॉन्डिंग इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और इंस्टॉलमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 110 + 100, ये 210 आया, ये क्या आया, 121 + 121, 242। तो आप देखें तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है 210 और आपका ये जो इंस्टॉलमेंट का टोटल अमाउंट क्या है, 242 है। तो कितना आपका इसमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 242 - 210 यूनिट बना, यानी 32 यूनिट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बना। अब हमें वैल्यू किसकी दी हुई है, हमें दी हुई है वैल्यू पर ईयर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी है 6534, यानी ये 242 जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, दो साल का इंस्टॉलमेंट है तो 2 × 6534, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये इसमें से दो कॉमन आएगा और ये दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा, इसमें से दो कॉमन आएगा, यानी ये क्या आ गया, 121, यानी 6534 / 121, ये 11 से कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, वन यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 54 रुपीज़। तो वन यूनिट की वैल्यू है 54 रुपीज़ और कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल बन रहा है 32 यूनिट, यानी 32 × 54 कितनी वैल्यू आ जाएगी, 71728। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।